Dear students, welcome back to Engineering Physics class. I am Dr. Akeshwan Pujari, Associate Professor, Lloyd Institute of Engineering Technology. और जैसे superconductors हम discuss कर रहे हैं, आज हम superconductors की एक next topic, temperature dependence of critical field, इसको पढ़ने वाले हैं. और जैसे अभी तक हमने मेजनर इफेक्ट, इंट्रोडक्शन टू सुपरकंडक्टर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टाइप वन टाइप टू सुपरकंडक्टर्स, इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. और आगे वाले टॉपिक जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड. तो क्रिटिकल फील्ड यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये क्रिटिकल फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और सुपरकंडक्टर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो हमेशा सुपरकंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और सुपरकंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ही कंडक्टर और सुपरकंडक्टर की बाउंड्री को डिसाइड करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड एक अहम रोल प्ले करता है सुपरकंडक्टर की केस में, और जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं. और पहले इसकी हेडिंग हम लिखेंगे कि व्हाट इज सुपरकंडक्टर और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड, इसकी हेडिंग है. फॉर द केस ऑफ सुपरकंडक्टर्स, और क्रिटिकल फील्ड को हमेशा जो सिंबल से हम सिंबलाइज करते हैं, दैट इज एच सी, क्रिटिकल फील्ड, एच फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ये सुपरकंडक्टर की केस में है, तो इसी को भी हम लिख रहे हैं. तो क्रिटिकल फील्ड सुपरकंडक्टर्स की जो डेफिनेशन है उसको अभी हम लिख रहे हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड when the material loses its superconductivity is called critical field. The critical field is always temperature dependent. So temperature और critical field एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हम critical temperature के बारे में भी already हम पढ़ चुके हैं. तो इसमें हम लिख सकते हैं the critical field is temperature dependent. And it varies from material to material. तो हमेशा अलग अलग material की अलग अलग critical magnetic field होता है. इसको हम एक equation से symbolize कर सकते हैं. Equation है HC is equal to HC naught 1 minus T by TC होल स्क्वायर, टी और टी सी के स्क्वायर होगा. और इस इक्वेशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है इसको भी हम यहाँ लिख रहे हैं. ये जो एच सी है
ये एचसी क्रिटिकल फील्ड है, इसको लिख लेते हैं, एचसी इज क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर टी, और एचसी नॉट है क्रिटिकल फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो, और टी टी सी आपको पता है, टी है टेम्परेचर जिसमें हम एच सी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और टी सी है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और टी सी हमेशा कंडक्टर और सुपर कंडक्टर की बाउंड्री को शो करता है। एनी टेम्परेचर लेस देन टी सी कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर वो बन जाता है। तो हमेशा टी सी और एच सी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम यहाँ लिख भी सकते हैं, और इसको जब हम डायग्रामेटिकली भी हम इसको शो कर सकते हैं, तो डायग्राम सपोज इसकी बनाते हैं एच सी वर्सेस टेम्परेचर। तो ये जो डैश लाइन आप देख रहे हैं ये है सुपर कंडक्टर एरिया, और उसके ऊपर जो खाली एरिया है उसको हम कंडक्टर एरिया कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमने टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर दो अलग पॉइंट है, टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टी सी, और जो वाई एक्सिस है उसमें हम क्रिटिकल फील्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज एच सी। तो एच सी हमेशा जीरो होगा एट टी इज इक्वल टू टी सी। तो आज हम ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस किया, कि क्रिटिकल फील्ड किस तरीके से टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है, और क्रिटिकल फील्ड किसको कहते हैं, और क्रिटिकल फील्ड कैसे कंडक्टर और सुपर कंडक्टर की बाउंड्री को सूचित करता है, मतलब क्रिटिकल फील्ड के दूसरी तरफ सुपर कंडक्टर बन जाता है, और दूसरे तरफ ये कंडक्टर बन जाता है। तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।